हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो तरह के रायते, एक फ्रूट रायता और एक सैलड रायता। तो हम बनाना शुरू करते हैं। सैलड का रायता बनाना शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने ये दही लिया है 250 ग्राम। इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसको थोड़ा सेट करने के लिए हम इसमें थोड़ा दूध डालेंगे। इसको ज़्यादा पतला नहीं करना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसको। अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब सैलड के तौर पे मैंने इस पे लिया है कि टमाटर है 2 ब्रीक कटे हुए, एक खीरा और प्याज ब्रीक कटा हुआ। अब हम इसको दही में डाल देंगे। आप गाजर भी ले सकते हो जो आप लाइक करते हो, पत्ता गोभी भी इसमें डाल सकते हो। और साथ ही इसमें प्याज डाल। अब हम इसमें डालेंगे ये भुना जीरा पाउडर है, काला नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और साथ ही ये वाइट नमक और ब्लैक पेपर, ये भी आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। गर्मियों में वैसे भी ये रायता बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें सैलड को कम्प्लीट इसमें डाला है। तो अब हम इसको एक बाउल में सर्व कर देंगे। ये देखिए, बाउल में मैंने इसको सर्व कर दिया। ऊपर से हम इसको गार्निश कर देंगे खीरे से और टमाटर से। तो हमारा सैलड का रायता रेडी है। अब हम फ्रूट का रायता बनाते हैं। अब हम फ्रूट का रायता शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने ये 150 ग्राम दही लिया। इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। इसको भी ज़्यादा पतला नहीं करना, अच्छे से फेंट लेंगे हम इसको। अब हम साथ ही इसमें शहद डालेंगे, 1.5 टीस्पून शहद से। एक बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है और वैसे भी शहद हेल्दी होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया। अब हम इसमें जो भी सीजनल फ्रूट हो आप इसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने इसमें मैंगो लिया है, तरबूज है, खरबूजा और केला। आप इसमें अंगूर भी डाल सकते हो, पाइनएप्पल भी डाल सकते हो, जो आप लाइक करते हो आप इसमें डाल सकते हो। इसमें हम खरबूजा डाल देंगे, खरबूज डाल दिया और ये मैंगो और बना। अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे भुना जीरा पाउडर। काला नमक ब्लैक पेपर, अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये हमारा फ्रूट का रायता रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये रेडी है हमारा फ्रूट का रायता और ये सैलड का रायता हमारा रेडी है। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। ये रेडी है हमारा फ्रूट का रायता और ये सैलड का रायता हमारा रेडी है।
अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।